आप सुनने जा रहे हैं खलील जिब्रान की लिखी कहानी दूसरी भाषा। मुझे पैदा हुए अभी 3 ही दिन हुए थे और मैं एक रेशमी झूले में पड़ा अपने आसपास के संसार को बड़ी अचरज भरी निगाहों से देख रहा था। तभी मेरी माँ ने आया से पूछा, कैसा है मेरा बच्चा? आया ने उत्तर दिया, वह खूब मजे में है, मैं अभी तक इसे 3 बार दूध पिला चुकी हूँ। मैंने इतना खुश दिल बच्चा आज तक नहीं देखा। मुझे उसकी बात पर बहुत गुस्सा आया और मैं चिल्लाने लगा, माँ यह सच नहीं कह रही, मेरा बिस्तर बहुत सख्त है और जो दूध इसने मुझे पिलाया वह बहुत ही कड़वा था और इसके स्तनों से भयंकर दुर्गंध आ रही है, मैं बहुत दुखी हूँ। परंतु ना तो मेरी माँ को यह मेरी बात समझ में आई और ना ही उस आया को, क्योंकि मैं जिस भाषा में बात कर रहा था वह उस दुनिया की भाषा थी जिस दुनिया से मैं आया था। और फिर जब मैं 21 दिन का हुआ तो मेरा नामकरण किया गया, तो पादरी ने मेरी माँ से कहा, आपको तो खुश होना चाहिए क्योंकि आपके बेटे का जन्म एक ईसाई के रूप में हुआ है। मैं इस बात पर बहुत आश्चर्यचकित हुआ। मैंने उस पादरी से कहा, तब तो स्वर्ग में तुम्हारी माँ को बहुत दुखी होना चाहिए क्योंकि तुम्हारा जन्म एक ईसाई के रूप में नहीं हुआ था। किंतु पादरी भी मेरी भाषा नहीं समझ सका। फिर 7 साल के बाद एक ज्योतिषी ने मुझे देखकर मेरी माँ को बताया, तुम्हारा पुत्र एक राजनेता बनेगा और लोगों का नेतृत्व करेगा। परंतु मैं चिल्ला उठा, यह भविष्यवाणी गलत है क्योंकि मैं तो एक संगीतकार बनूंगा, कुछ और नहीं, केवल एक संगीतकार। किंतु मेरी उस उम्र में किसी ने मेरी बात को गंभीरता से नहीं लिया। मुझे इस बात पर बहुत हैरानी हुई। 33 वर्ष बाद मेरी माँ, मेरी आया और वह पादरी सबका स्वर्गवास हो चुका है, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। किंतु वह ज्योतिषी जो अभी तक जीवित है, कल मैं उस ज्योतिषी से मंदिर के द्वार पर मिला। जब हम बातचीत कर रहे थे तो उसने मुझसे कहा, मैं तो शुरू से ही जानता था कि तुम एक महान संगीतकार बनोगे। मैंने तुम्हारे बचपन में ही ये भविष्यवाणी कर दी थी। तुम्हारी माँ को भी तुम्हारे भविष्य के बारे में उसी समय बता दिया था और मैंने उसकी बात पर विश्वास कर लिया, क्योंकि अब तक तो मैं स्वयं उस दुनिया की भाषा को भूल चुका था।